तुम लोगों को कल दो ठो नियम लिखाए थे, आज तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार देखो, बराबर के पहले वाले सिर्फ एक पद हो, बराबर के पहले सिर्फ एक पद हो, जैसे मान लो बराबर के पहले एक पद हो और उसका पावर अगर दो हो, बराबर के पहले कोई पद है एक्स, इसका पावर दो हो गया, तो वह पावर हटकर बराबर के आगे वाला पद पर रूट के रूप में आ जाता है। अगर बराबर के पहले कोई पद हो उसका पावर दो हो, इतना बराबर मान लो न है, तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स के आगे पीछे नीचे कुछ नहीं हो और ऊपर में जब भी हो तब दो हो, मतलब नीचे में भी कुछ नहीं हो, पीछे में भी कुछ नहीं हो, आगे में भी कुछ नहीं हो, नहीं ना है, पावर के रूप में जब दो हो, इस दो को हटाएंगे तब ना एक्स अकेले बचेगा, तो समझ गए एक्स का मान निकल गया। अगर बराबर के पहले एक्स अकेले बच गया तब समझो एक्स का वैल्यू निकल गया, एक्स का मान निकल गया। तो बराबर के पहले एक्स तो है लेकिन एक्स के ऊपर पावर के रूप में दो है, तो बराबर के पहले एक्स ही नहीं कुछ भी हो लेकिन आगे पीछे या नीचे में कुछ नहीं हो, पावर में खाली दो हो, ये दो को हटाएंगे तो ये जाएगा कहाँ। तो अगला पंक्ति होगा और इससे शुरू करेंगे, एक्स लिखेंगे, ये दो हटा दिए, यहाँ न लिखेंगे, आखिर ये दो कहाँ गया, तो ये दो कुदक करके आगे चला गया, जैसे एक कॉपी लो तो रफ कॉपी, जैसे देखो ये हो गया तुमको ऐसे, तो ये जैसे ये लिखे है न जी, इसको अगर इस ओर से देखोगे तो देखो तो ये दो बुझाता है जी। तो ये कुदक करके आगे चला गया उल्टा, कुद का तो उल्ट, कुद के का तो उल्टा नहीं हो जाएगा जी। तो ये देखो दो लग रहा है ना जी। इधर से देखो ये रूट है जी। तो ये दो कुदक करके आगे दो के रूप में आ गया, याद रहेगा जी। और बच गया अकेले x, तब x का मान निकल गया, लेकिन रूट के रूप में तो आया लेकिन इसके पहले प्लस और नीचे में माइनस अपने आप लग जाता है। इसका मतलब हो गया जब ये पावर दो हटेगा किसी भी पद पर से तो आगे में ये रूट के रूप में उल्टा दो के रूप में आ जाएगा, लेकिन पीछे में ले आएगा अपने साथ प्लस और माइनस दोनों चीन को, यानी यहाँ हो गया अब x बराबर प्लस माइनस, इसको तोड़ेंगे गुना के रूप में तो तोड़ेंगे तो तीन किया ना होगा, और जब ये रूट में द्वारा लगे तो द्वारा में से एक खो निकल जाता है, पहले बतला दिए हैं, तो प्लस माइनस लिखाएगा, द्वारा में से एक खो निकल गया तीन, तो अब ये हो गया लिखेंगे इसीलिए x बराबर ऊपर में देखेंगे प्लस है तो एक बार लिखेंगे प्लस तीन एवं एक बार पढ़ेंगे माइनस तीन, माइनस तीन, तो x का दो ठो मान हुआ, यही हुआ आंसर। अब तुम्हारा ये दोनों मान सही है कि गलत इसको कैसे जांचेंगे, इसको अगर मान लो x का क्या दोनों मान होगा तो बराबर के पहले एक्स स्क्वायर है, तो तुम लोग को एक बात और बतला देते हैं, इसको जांचना है एक्स का मान सही है कि नहीं है, तो एक शब्द होता है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब होता है राइट का मतलब दायां, हैंड का मतलब साइड, हैंड का मतलब हाथ,
अंग्रेजी को लोग नहीं पढ़ता है तनाव हाँ साइड साइड का मतलब की ओर समझा तो इसी से बनता है इसी से बनता है तुमको एक होता है एल एच एस इसका मतलब हुआ एल से लेफ्ट एच से हैंड एच से साइड तो लेफ्ट मतलब बाया हैंड मतलब हाथ साइड मतलब की ओर तो बाएं हाथ बाया हाथ की ओर एक ठो होता है फिर इसको हम नीचे में लिख देते हैं इसलिए x बराबर प्लस तीन एवं माइनस तीन ये हो गया आंसर तो एल एच एस का मतलब हुआ अब देखो आर एच एस का मतलब क्या होता है तो आर से हो गया राइट हैंड साइड राइट का मतलब दाया हैंड का मतलब हाथ और साइड का मतलब की ओर यानी दाएं हाथ की ओर तो बराबर के पास खड़ा हो जाओ जैसे मान लो ए बराबर बी है तो बराबर के पास खड़ा हो जाने पर बराबर के दाएं हो ये सामने में खड़ा हो गए तो बी दाहिने हाथ की ओर है ए बाएं हाथ की ओर है तो ए के बारे में लिखेंगे ये बाएं हाथ की ओर है तो बायां का अंग्रेजी देखो लेफ्ट हैंड साइड बायां हाथ की ओर एल से लेफ्ट एच से एच आती हैंड एच से साइड तो बराबर के पहले बारे पहले जो कुछ भी रहेगा उसके लिए हम लोग लिखेंगे एल एच एस यानी ये बाएं हाथ की ओर वाला पद है या बाएं ओर के बारे में हम लोग वर्णन कर रहे हैं जब बराबर के सामने खड़े रहेंगे तो दाहिनी ओर बी बुझाई पड़ता है ना जी। तो बी के बारे में लिखेंगे इसके बारे में ये बाएं हाथ की ओर है ना तो लिखेंगे एल एच एस बराबर ए यानी बाई ओर बाएं हाथ की ओर ए है यानी लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ की ओर क्या है तो ए है समझ गया ये है दाई हाथ की ओर इसके बारे में लिखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ है बी समझा बाएं ओर जो रहेगा इसके बारे में लिखेंगे एल एच एस के ओर है ना बाई हाथ की ओर ए ये हो गया दाई हाथ की ओर इसके बाद इसमें एल एच एस किसको कहेंगे तो बराबर के सामने खड़े हो जाओ तो बाई हाथ की ओर एक्स स्क्वायर है आर एच एस किसको कहेंगे तो दाई ओर न है तो न को कहेंगे इसको जांचेंगे कैसे पहले इसको तू लोग उतारो तो तो देखो इसको हम ढंग से जैसे ये क्वेश्चन हुआ एक्स स्क्वायर बराबर न तो x का मान तो x बराबर वाट इसको कहते हैं क्या यानी ये चिन्ह किसका है इसका अर्थ हुआ क्या x बराबर वाट मतलब क्या क्या होगा इसका मतलब आंसर पूछ रहा है तो आंसर जैसे इसको बनाए हैं समझा दिए ना तो मान लो x स्क्वायर बराबर 16 है x का मान निकालना है तो x का जो मान निकालेंगे तो हिसाब शुरुआत करेंगे ओ आर और से मतलब या इस लाइन के बदले हम ये लिख सकते हैं ये पंक्ति या इसके बदले ये भी पंक्ति हो सकता है फिर या इसके बदले आगे भी पंक्ति हो सकता है तो इस तरह अंत में जब आंसर आएगा तो लिखेंगे इसलिए x बराबर इतना तो इससे हिसाब की शुरुआत करना है तो x ये दो हटा रहे हैं तब ना केवल x बचेगा तो दो पावर में है पावर में अगर दो रहे
जो ये हटेगा तो कूदक कर आगे चला जाएगा उल्टा रूप ले लेगा इसके भीतर ये 16 आ जाएगा आगे में जो रहेगा ना पूरे पर जंप करके रूट के रूप में छा जाएगा और पीछे में प्लस माइनस तो x बराबर प्लस माइनस इसको देखो तोड़ते जाएंगे गुना के रूप में कैसे टूटेगा तो अलग से रफ करेंगे 16 समझा इसमें 2 से भाग दो सबसे छोटा अंक 1 होता है 1 से भाग सब संख्या में लग जाता है इसलिए 1 छोड़ करके 2 से 2 2 से भाग नहीं लगे तो 3 से नहीं लगे तो 4 से 5 से 6 से देते जाओ भाग लगेगा ही चाहे जिससे लगे इसमें 2 से लग रहा है 2 8 16 फिर इसको घेरो फिर 2 से भाग दो तो 2 चौका 8 फिर भाग दो 2 से तो 2 दूनी 4 फिर भाग दो 2 से तो 2 एकन 2 अंत में जब 1 आ जाए तो छोड़ दो और 1 को छोड़ देंगे और बाकी जितना इधर है इसको गुना करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ ना इसका मतलब 16 के बदले हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 रूट को पूरा आगे तक ले जाएंगे ये रूट के भीतर 16 है तो इसको तोड़ करके लिख सकते हैं ऐसा अब देखो और x बराबर प्लस माइनस रूट के भीतर देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 1 जोड़ा में से 1 ठो निकल जाएगा पोस्ट में रखेंगे 1 से अधिक निकलने लगे ना तो पोस्ट में रखेंगे इसके लिए 1 जोड़ा में से 1 ठो निकल गया फिर गुणा इस जोड़ा में से 1 ठो निकल गया और इस तरह जोड़ा में से निकला और निकलता है तो रूट भाग जाता है तो रूट भाग गया तो फिर हो गया और x बराबर प्लस माइनस 2 दूनी 4 एक अंक आ जाए तो अचानक पोस्ट को हटा दो इसका मतलब हुआ इसीलिए x बराबर एक बार कहेंगे प्लस 4 एवं दूसरे बार माइनस 4 यही हो गया आंसर समझा अभी उतारो नहीं अब समझो ये जो आंसर आया है कैसे समझोगे जो सही है कि गलत है तो सही है कि नहीं है तो इसका मतलब इसकी जांच करेंगे जांच में x स्क्वायर बराबर 16 x का मान 4 आया माइनस 4 आया पहला मान रखेंगे बराबर के आगे 16 है तो बराबर के पहले 16 आ गया तब ना 16 बराबर 16 न होगा 15 या 14 तो नहीं होगा तो बराबर के आगे जितना अंक है वही अंक आ जाए x का दोनों मान बारी बारी से रखने पर तब तो समझो आंसर सही है नहीं तो आंसर गलत है तो इसके लिए जांच कैसे करेंगे तो लिखेंगे जांच तो जांच में हम LHS की बात करेंगे बराबर से पहले कितना है तो x स्क्वायर है इसका मान रखने पर इतना आना चाहिए तो जांच में हम LHS बराबर के पहले वाला ले रहे हैं यानी LHS बराबर कितना है LHS में बायां साइड में x स्क्वायर है तो LHS बराबर x स्क्वायर है पहले x का मान एक तो प्लस 4 है और दूसरा माइनस 4 है तो पहले प्लस 4 का मान लेते हैं जो 16 आता है कि नहीं तो लिखेंगे अगर x का धनात्मक मान ले तो x स्क्वायर बराबर धनात्मक मान का क्या अर्थ हुआ तो x बराबर प्लस 4 धनात्मक संख्या है जिसके पीछे प्लस हो वह धनात्मक होगा जिसके पीछे माइनस हो वह ऋणात्मक होगा तो x का एक ठो मान प्लस में है एक ठो माइनस में है तो प्लस वाला मान को कहेंगे धनात्मक मान माइनस वाला मान को कहेंगे ऋणात्मक मान तो पहले टेस्ट करेंगे x का धनात्मक मान लेकर के तो अगर x का धनात्मक मान ले तो इसका मतलब x का धनात्मक मान लेंगे तो क्या होगा तो लेकर के देखते हैं धनात्मक मान प्लस 4 है तो x स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर x के जगह हम कितना लिखेंगे प्लस 4
तो प्लस 4 x का होल स्क्वायर है तो x का मान हुआ प्लस 4 तो इसका होल स्क्वायर घेर करके होल स्क्वायर तो इसका मतलब प्लस 4 का पावर 2 है तो प्लस 4 को 2 बार गुना करेंगे प्लस 4 गुने प्लस 4 प्लस 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 4 चौका 16 प्लस आ गया तो 16 नहीं भी ये प्लस नहीं भी लिखेंगे तो 16 के पीछे प्लस है यहां भी प्लस है देखो तो x स्क्वायर का मान 4 लिए तो यहां 16 आ गया यानी LHS में भी हल करके 16 आता है RHS के बराबर तो RHS में 16 है तो लिख देंगे बराबर RHS यानी LHS में x स्क्वायर हो गया 16 RHS के बराबर RHS में 16 है ना ये हो गया तुमको RHS और ये हो गया LHS LHS को तोड़े तो 16 आ गया इसका मतलब x का मान सही है ये तो धनात्मक मान लिए मान लो अगर हम ऋणात्मक मान ले तो पुनः x का ऋणात्मक मान लेने पर LHS LHS में x का ऋणात्मक मान लेंगे तो LHS बराबर है x स्क्वायर तो x का ऋणात्मक मान का मतलब -4 हुआ तो यहां -4 x के जगह आया फिर इसका स्क्वायर है तो पूरे -4 में x है इसलिए पूरे x हो गया ये इसके ऊपर पावर 2 तो -4 का पावर 2 तो इसका मतलब -4 को दो बार गुना करेंगे -4 गुने -4 अब ये देखो माइनस का गुना करोगे माइनस से तो माइनस माइनस प्लस 4 चुका 16 प्लस 16 का मतलब यहां भी प्लस 16 है यानी इसको 16 लिख सकते हैं यानी RHS के बराबर हो गया तो यहां पर निष्कर्ष क्या निकलता है यहां LHS बराबर भी 16 है RHS बराबर भी 16 है यानी LHS बराबर RHS हो गया अतः गुना सही है गुना कहते हैं अतः x का मान x का दोनों मान सही है ना दोनों मान सही है तो लोग इसको समझा चलो तब ज्ञान शुरू से अंतर कैसे जांचेंगे दूसरी बात यहां पर 9 लिखा गया था 16 16 मानकर बनाए हैं इसको इसको मिटा करके अब दूसरा देखो x स्क्वायर बराबर 81 तो x बराबर क्या व्हाट मतलब क्या होगा तो आंसर 3x स्क्वायर बराबर 81 तो इसमें पहले गुना को अलग करेंगे और x स्क्वायर में 3 गुना किया हुआ है इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर बराबर 81 याद करो कल बतलाए थे तुम लोगों को बराबर से पहले वाला पद में सिर्फ गुना ही गुना दिखाई दे जोड़ घटाव के रूप में कुछ नहीं जोड़ घटाव दिखाई दे यहां कुछ जोड़ा गया नहीं ना आगे से ना घटाया गया है ना पीछे से जोड़ा गया है ना घटाया गया है और बट्टा में भी कुछ नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जो बराबर के पहले सिर्फ गुना का रूप हो जैसे यहां x स्क्वायर में गुना 3 पीछे में रहे गुना 3 या आगे में रहे गुना 3 लेकिन कुछ जोड़ा हुआ या घटाया हुआ या बटा में नहीं रहे तो ऐसी हालत में गुना वाला अंक कहां जाता है बराबर के आगे नीचे में जाता है तो पहले गुना वाला अंक को हटाएंगे बारी-बारी से हटाएंगे x स्क्वायर को पहले अंत में स्क्वायर को हटाया जाता है पहले आगे पीछे देखो जोड़ घटाव वाला है कोई चीज तो बराबर के आगे सब को ले जाओ तब गुना वाला है जैसे यहां गुना वाला है तो गुना वाला अंक को बराबर के आगे नीचे ले जाओ तब अंत में बचेगा स्क्वायर तो स्क्वायर वाला हटेगा
तो आगे रूट आएगा बारी बारी से सब काम करेंगे तो यहां पहले गुना वाला को हटाएंगे तो x स्क्वायर बराबर 81 और जो गुना के रूप में रहेगा बराबर के आगे नीचे आएगा तो 3 आ गया नीचे 81 में 3 से भाग दोगे तो 27 आएगा और x स्क्वायर बराबर 27 अब देखो x के आगे पीछे नीचे कुछ नहीं है खाली स्क्वायर हटा देंगे तो x का मान आ जाएगा तो अभी तुरंत बतलाए हैं पावर 2 हटेगा तो आगे ये रूट का रूप धारण कर लेगा रूट के बराबर के आगे जितना रहेगा सब के ऊपर छा जाएगा रूट के रूप में तो बराबर के आगे सिर्फ 27 है तो 27 के ऊपर आ गया रूट के रूप में ये दो बराबर के आगे कुदक करके और इसके पहले क्या अपने आप आ जाता है प्लस माइनस तो x बराबर ये प्लस माइनस लिखेंगे अभी 27 को तोड़ेंगे किससे भाग लगेगा तो देखो 27 अलग से लिख लो 2 से नहीं लगेगा 3 से तो 9 + 27 फिर इसमें किससे भाग लगेगा 2 से नहीं 3 से 3 + 9 एक नहीं आया अभी तक 3 में 3 से भाग लगेगा 3 × 3 एक आया तो एक को छांट करके बाकी इसको गुना के रूप में लिख देंगे क्यों क्योंकि 3 × 9 = 27 3 × 9 = 27 तो 27 के बदला हम लोग लिख सकते हैं 3 × 9 = 27 पूरा रूट में इसके बाद फिर इसी तरह अब यहां पर आ गया और x बराबर प्लस माइनस देखो रूट में कितना द्वारा है एक के द्वारा है ना जी तो एक द्वारा में से एक को निकल जाएगा जी और फिर ये गुना रूट में तो ये तो रूट में है अकेले तो ये रूट में ही रह जाएगा ये हो गया x बराबर प्लस माइनस 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो गुना याद करो रूट वाला बिना रूट वाला का गुना होता है तो गुना चिन्ह छिप जाता है तो ये 3 और रूट 3 के बीच में छिप जाएगा तो लिखाएगा 3√3 अंत में लिखेंगे इसीलिए x बराबर एक बार प्लस 3√3 एवं माइनस 3√3 यही हो गया आंसर समझा इसको उसी तरह जांच सकते हैं जिस तरह इससे जस्ट पहले जाते तो कल तुम लोगों को बतलाएंगे तिरछा गुना का नियम दो तीन ठो नियम आ रहा है इतना जान जाने के बाद तब मतलब जितना अधिक से अधिक इक्वेशन हो 10th स्तर का दो चार वाला रैखिक समीकरण युग्म तक बेस में ही सिखा देंगे वो सब इसी ये शुरुआती क्रम है एक ओर से देखते जाओ